हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारा नाम है कविता सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं। देखो, हमने काफ़ी ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसपे कि लोगों का प्रॉब्लम होता है कि मेरा जल्दी गिर जाता है, इरेक्ट नहीं हो जाता है, टाइम का इशू होता है। तो हमने काफ़ी ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने ये सजेस्ट किया है कि आप लोग मसाज को शामिल कीजिए। मसाज करने से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत अच्छे से होता है, नसों में ब्लड का संचार है वो अच्छे से होता है, फ्लो उसका अच्छा होता है, इरेक्शन उसमें अच्छा होता है और पूरी तरह से जो आपका प्राइवेट पार्ट है वो हेल्दी होता है। ठीक है, तो ये जो हमने मसाज को शामिल किया है, मसाज को हमने हमेशा एडवाइस दिया है कि आप मसाज करो। तो काफ़ी ऐसे मैसेज हैं जो हमको रिसीव हुए हैं, इंस्टा पे भी रिसीव हुए हैं और जो वीडियोस होते हैं उसके कमेंट सेक्शन में भी हमको ये रिसीव हुए हैं कि मैडम हम कौन से ऐसे ऑयल का यूज़ करें, क्या किस इंग्रेडिएंट्स को हम ध्यान में रख के यूज़ करें, मतलब तेल लें, या फिर आप सजेस्ट करो कि कौन सा ऐसा तेल लें हम। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा आयुर्वेदिक नेचुरल ऑयल लेके आए हैं जो कि आयुष प्रमाणित है। ठीक है, और इसमें पूरी जो जड़ी बूटी है वो आयुर्वेदिक है, नेचुरल है, जिससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। और हम इस ऑयल के साथ कम्बो लेकर आए हैं आपके लिए जो कि है लिफ्टअप ऑयल एंड लिफ्टअप कैप्सूल। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है, इंटरनल मतलब एक्सटर्नल यूज़ के साथ साथ इंटरनल यूज़ भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, जिस जड़ी बूटी को का जो ऑयल है उसको आप अपने प्राइवेट पार्ट पे लगा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, उससे ब्लड फ्लो अच्छा होगा, आपकी टाइमिंग अच्छी होगी। लेकिन अगर आप उन्हीं जड़ी बूटियों को साथ में खाना स्टार्ट कर दो, आपकी बॉडी में वो चीज़ें जाना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो ये चीज़ें डबल फायदा करेंगी और बहुत जल्दी असर देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम बात करें कि इस लिफ्टअप ऑयल में क्या क्या जड़ी बूटियां हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो उसकी बात करें तो सबसे पहले इसमें जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है अश्वगंधा है, सतावर है, सफ़ेद मूसली है और लौंग का तेल है। ठीक है, जो कि एक पुरुष के बॉडी के लिए, उनके प्राइवेट पार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी 17 टाइप के और नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं जिसकी अगर हम बात करें तो वो है दालचीनी है, लौंग है, जायफल है, खसखस है, शिलाजीत है, अगरकरा है और मखरद्वाज है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं कि इसकी 17 टाइप के और इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है, हम पिक लगा देंगे बगल में, आप चेक कर लेना। ठीक है, इसके साथ साथ हम जो कैप्सूल लाए हैं लिफ्टअप जो कैप्सूल है इसमें भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, अश्वगंधा है, शिलाजीत है, अगरकरा है, सफ़ेद मूसली है, लौंग का तेल है, आलमंड है और फिर तिल का तेल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस टाइप के जो जड़ी बूटियाँ हैं ये सारा कुछ कैप्सूल में भी है। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आप खाना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपकी बॉडी में जितनी भी कमजोरी है और फिर इरेक्शन की प्रॉब्लम है, तनाव नहीं आता है, जल्दी गिर जाता है, टाइम नहीं है, ठीक है, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो ये सारी समस्याओं को समाप्त करेगा। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ का यूज़ कर सकते हो, दोनों आपको कम्बो में मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा, तो दोनों का यूज़ कर सकते हो आप, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर हम ऑयल की बात करें तो ये इस टाइप का पैकेजिंग है इसका, इसमें पंप टाइप का दिया हुआ है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, दो पंप ही आप लेना तो बहुत अच्छा है और काफ़ी है ना, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। स्मेल की बात करें तो स्मेल भी बहुत अच्छा है, काफ़ी ऐसे ऑयल आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गंदा सा स्मेल करते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है और लगाने में भी अच्छा रहेगा आपको, और पूरी तरह से जड़ी बूटी है, आयुष प्रमाणित है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो बेझिझक। डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको इजीली परचेस कर सकते हो, मंगवा सकते हो। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का जो सवाल होगा कि हाँ कौन से ऑयल का हम यूज़ करें, क्या चीज़ें खाएं, तो हाँ आप लिफ्टअप ऑयल का यूज़ कर सकते हो, ये पूरी तरह से नेचुरल है और इसका यूज़ जैसे करोगे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे जिसको भी इस टाइप की प्रॉब्लम होगी ना, या फिर टाइम से रिलेटेड हो, या फिर जल्दी निकल जाता है, इरेक्ट नहीं होता है उनका प्राइवेट ना, तो प्राइवेट पार्ट ना, तो ये पूरी समस्या धीरे धीरे समाप्त होते हुए दिखेंगे आपको, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, हमें सजेस्ट करना कि ये क्या है, आप खुद अपना रिव्यू हमको बता सकते हो कमेंट में कि हाँ रिजल्ट अच्छा मिला। और देखो, आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती हैं ना उनको आप 1 से 2 मंथ यूज़ करो तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है ये तो हमने बताया ही नहीं। ठीक है, तो देखो इसका यूज़ करना है, जो ऑयल है उसका यूज़ करना है आपको, जैसे आप मॉर्निंग में नहा के आते हो, ठीक है, नहा के आते हो तो आपका प्राइवेट पार्ट भी क्लीन होता है, आपका पूरा बॉडी क्लीन होता है, हाथ क्लीन होता है। ठीक है, देखो हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो जब आपका पूरा चीज़ एकदम क्लीन हो उस टाइम पर आप तेल लीजिए, उस टाइम पर मसाज कीजिए। ठीक है, सुबह का समय हो गया, रात में जैसे
आप जाते हो वॉशरूम में नहा लो या फिर नहीं नहाते हो तो प्राइवेट पार्ट क्लीन कर लो, उसके जो फोर स्किन होते हैं उसको भी नीचे करके क्लीन कर लो, अपने हैंड अच्छे से क्लीन कर लो, उसके बाद लगा के फिर आप सो जाओ, ठीक है। और कैप्सूल का यूज़ कैसे करना है, कैप्सूल का यूज़ आपको एक दिन में 2 कैप्सूल यूज़ करना है, एक मॉर्निंग में और एक शाम को खाना खाने के बाद, सुबह में नाश्ता करने के बाद, ठीक है। आप दूध के साथ ले सकते हो या फिर पानी के साथ, तो इस टाइप से इसका यूज करना है, बहुत ही आसान है इसका यूज करना। आई होप हमारी बातें समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, मिलते हैं ऐसी कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, ओके बाय।